जश्ने चरागा करेंगे हम। खुशहाली का प्रतीक है, इस बात में कोई दो राय नहीं। आजादी की इन जलते गीतों के साथ ही जम्मू कश्मीर एक मजबूत कयादत की वजह से रोशनी की एक नई और बेमिसाल दिशा की ओर बढ़ रहा है। मैडम बीनू जोशी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वह अपने वेलकम एड्रेस से आए हुए मेहमानों का स्वागत करें। मैं जेके न्यूज टुडे की एडिटर मैडम बीनू जोशी जी से निवेदन करूंगी कि वे हमारे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग Thank you very much, sir. Then to the Hindustan Times and Prime Minister Tribune before joining the professional degree, she carries a vast experience, a prolific writer and ethical journalist. A big round of applause for her too, please. Thank you very much, sir. Big asset to JK News today. Thank you very much, sir. Thank you, media expert too. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much, sir. मैं जेके न्यूज टुडे की एडिटर मैडम बीनू जोशी जी से निवेदन करूंगी कि वे हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय And in Kashmir. I also take this opportunity to Thank you.
दूसरी फिल्मों में भगवान को डायरेक्टर बनाया है। तो अब तय करिए कि मेरी भूमिका क्या है, मैं आपको छोड़ता हूं। और ये बात अल्फ्रेड ने इसलिए कही क्योंकि डॉक्यूमेंट्री फिल्म का मतलब होता है कि आप कुछ नया डिस्कवर कर रहे होते हैं और उस दौरान कुछ सीख भी रहे होते हैं और आखिर में आप सच से रूबरू होकर वही सच दुनिया के सामने रखने की कोशिश करती है। हिम्मत का काम किया है क्योंकि हर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म सैकड़ों सवाल खड़ा करती है और ये समाज को आईना भी दिखाती है, जनता को भी मजबूर करती है कि वह उन घटनाओं के संबंध में विवेचन करे, इंट्रोस्पेक्ट करे। और मैं समझता हूं कि जिसका सीधा सामाजिक सरोकार भी होता है। एक हफ्ते पहले बिनू जी ने मुझे इसके बारे में ब्रीफ किया था। इस फिल्म में डल लेक और चिनार अलग अलग समय में जो घटनाएं हुई वो संवाद कर रहे हैं और उसके माध्यम से फिल्म जम्मू कश्मीर या खासतौर से मैं कहूं कि घाटी की परिस्थितियों को वर्णित कर रही है। ये तथ्य में से अधिकांश लोग जानते हैं कि जो फिल्म में दिखाया गया ये सच है कि 1947 से जो हमारा पड़ोसी है वो आतंक को एक स्टेट पॉलिसी बनाकर जम्मू कश्मीर के निर्दोष नागरिकों का खून बहाने की कोशिश की है। दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जब जो आज कुछ फूड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की भी चर्चा करने लगे हैं, में आपस में भेद करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिन्होंने एक कंसिस्टेंट पॉलिसी बना रखी है उन्होंने भी बाद में स्वीकार किया कि आतंकवाद मानवता के खिलाफ ये सबसे बड़ा अत्याचार है और ये सबसे बड़ा कलंक है। राष्ट्र के इस मुकुटमणि की एक बड़ी आबादी 47 के बाद से ये दंश झेल रही है, उसके भाव आज भी ताजा है। अत्याचार से उभरकर जम्मू कश्मीर जैसे ही जीवंतता को प्राप्त कर रहा था, मुझे लगता है कि वैसे ही एक टेम्पररी प्राविधान ने फिर झटका दिया। बयान पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि इंसाफ की बात कर रहे थे, न्याय के कार्यक्रम में मैंने कहा कि जस्टिस टू होम, किसको न्याय की बात की जाए। और उसमें एक वाक्य मैंने सुना, तालिबान के एक धड़े का कमांडर जो नादून हत्याओं के लिए जाना जाता है, अस्पताल, स्कूल, यहां तक कि मातम में इकट्ठा लोगों को भी भीड़ पर भी गोली चलाता था। उसे किसी ने पूछा कि इस तरह की रेकलेस विवेकहीन हत्याओं की वजह से क्या तुमको ये नहीं लगता कि तुम अनपॉपुलर हो जाओगे, क्या इसको डिफेंड करने का कोई कारण है, तुम्हारे पास कोई मारक ग्राउंड है। उसने जो जवाब दिया बड़ा ईमानदारी से जवाब दिया, उसने कहा कि देखिए हम पब्लिक सर्विस नहीं कर सकते, हम सड़क नहीं बना सकते, विद्यालय नहीं बना सकते, अस्पताल नहीं बना सकते, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि लोगों में सुरक्षा की भावना, सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे सकते। उसके साथी ने पूछा कैसे लोगे, उसने कहा कि देखिए जब लोगों में इनसिक्योरिटी पैदा हो जाएगी तब लोगों को लगेगा जब तक तालिबान नहीं आएगा तब तक मैं सरकार में प्रशासन ये कोई सुरक्षा नहीं दे सकता है। कुछ लोग हैं जो अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात पाकिस्तान से होनी चाहिए, जब तक वहां बात नहीं होगी तब तक यहां सुरक्षा नहीं हो सकती। इस बात को मैं पूरी मान दृढ़ता के साथ खारिज करता हूं और जो भारत सरकार की नीति है, बातचीत का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता जब तक वो टेररिज्म को, आतंकवाद को नकारता नहीं है, उसकी खुला निंदा नहीं करता है, तब तक कोई प्रश्न नहीं है। और वो यही कहना चाह रहे हैं, वही कहने की कोशिश कर रहे हैं, वही रास्ता ठीक है। मुझे लगता है कि लंबे समय तक
अनेक निर्दोष लोगों का लहू इस धरती पर था और न हो इसकी कोशिश हो रही आतंकी संगठनों और उनके सरपरस्त को कि मैं कह सकता हूं कि कमर टूट चुकी है। यहां पर भारत सरकार की नींद का सवाल है, बार बार भारत सरकार ने स्पष्ट किया और उस नींद पर हम चल भी रहे कि शांति कोई खरीदने की चीज नहीं होती है, शांति स्थापित करने की होती है। एक समय था जब सौदेबाजी होती थी शांति खरीदने की, वो समय अब बीत गया है और शांति स्थापित करने की कोशिश हो रही है और अलग आतंकवाद और उग्रवाद का जो कचा कुचा इको सिस्टम वो कैसे नस्तनाबूद हो, उसकी ताबूत में आखिरी की कैसे चौंकी जाए, इसका भी प्रयास किया जा रहा है। वो जमाना चला गया जब स्टोन पेंटिंग होती थी, पड़ोसी देश हड़ताल तिथियां घोषित करता था, कैलेंडर घोषित करता था, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय चलते नहीं थे। आम आदमी चैन की सांस ले रहा है, रोजी रोटी कमा रहा है, घर परिवार में समृद्धि वाले इस काम में जुटा और केवल इनके साथ नहीं बल्कि टेरर फाइनेंसिंग और रिक्रूटमेंट और भी अंकुश लगाने में फोर्सेस काफी सफल हुई है। उस सपोर्ट सिस्टम को निष्क्रिय करने की काफी कोशिश हुई है और अब तो घर भी ढाए जा रहे और ये सिलसिला चलता रहेगा तब तक जब तक आतंकवाद का आखिरी निशान भी यहां समाप्त नहीं हो जाएगा। मुझे यकीन है जम्मू कश्मीर पीस प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी की यात्रा में हर एक नागरिक को केंद्र में रखते हुए आजादी के समृद्ध कालखंड में हम अपने संकल्पों को पूरा करने और जनता के सपनों को साकार करने में और सफल होंगे। आज सुबह संयोग है जनरल दिलावर सिंह जी की पुण्यतिथि भी, आज एक बहादुर सैनिक सभागार में बैठे सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा जिस वीरता से उन्होंने एक योद्धा के रूप में अपनी पहचान बनाई कि आज हम संकल्प ले सकते हैं जिन उद्देश्यों के लिए उन्होंने बलिदान दिया था उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम भी जो कदम चढ़ेंगे। मैं बीनू जी को फिर से एक बार हृदय से बधाई देता हूं और आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अंत में दो पत्नियां फिर समर्पित करता हूं कि जिधर किसी में मेरे दोस्तों की बैठक थी, जिधर किसी में मेरे दोस्तों की बैठक थी उसी तरफ से मेरे सहन में पत्थर आए, उसी तरफ से मेरे सहन में पत्थर आए। धन्यवाद।